ने अपने YouTube जर्नी में बहुत सारे ड्रीम्स को कंप्लीट किया हुआ है, अपने भी और साथ ही साथ फैमिली के भी। और दोस्तों ये सब जो पॉसिबल हुआ है ओनली आप लोगों के पैन सपोर्ट की वजह से, ओनली आप लोगों की वजह से। और दोस्तों जो भी चीज़ें पॉसिबल भी नहीं थी, ठीक है, कभी मैंने ये चीज़ें सोचा भी नहीं था कि ये भी चीज़ मेरे पास होगी, ओनली आप लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से वो भी आप लोगों ने पॉसिबल कराया है। और दोस्तों आज मेरा जो है मान सकते हैं एक विग वाला ड्रीम जो है कंप्लीट हो चुका है, एक नहीं साथ ही साथ दो ड्रीम कंप्लीट हुए हैं ओनली आप लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से। आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल पर देख लिया होगा कौन सा ड्रीम कंप्लीट हुआ है, बट साथ में एक और ड्रीम कंप्लीट हुआ है जो कि दोस्तों आज किस ब्लॉग आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ और गाँव में रह कर के को क्रिएट करता हूं और वहीं से आपको वीडियोज को प्रोवाइड कराता हूं और टाइम पर आपको वीडियो देखने की हमेशा कोशिश करता हूं। और दोस्तों आपको पता है कि भाई गांव में लाइट की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब कि मान लो गांव में सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है लाइट की, क्योंकि भाई आपको पता है कि भाई लाइट अगर आ गई तो पता नहीं चलता कब जाएगी और अगर चली गई तो भाई पता नहीं चलता कब आएगी, और अगर किसी दिन पानी वगैरह बरस गया तो भाई समझ लो कि भाई लाइट गोली है, दिन भर के लिए, रात भर के लिए गोली है। ठीक है, शहर होता है तो भाई आ ही जाती है, अगर चाहे तार भी टूट जाए तो भाई घंटा दो घंटा चार घंटे के बाद आ ही जाती है, बट अगर गांव में अगर तार टूट गया तो भाई दो तीन दिन के लिए फुर्सत। ठीक है, बट दोस्तों इस चीज़ को भी मैं फेस किया हूँ बहुत बार, बट आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड किया, चाहे मुझे जहाँ भी जाना पड़े फ़ोन चार्ज करने के लिए मैं फ़ोन चार्ज करके लाया हूँ और आप लोगों को वीडियोज को प्रोवाइड कराया हूँ ताकि आपको टाइम पर वीडियोज मिल पाए। और काफ़ी बार ये भी हुआ है जब हमारे यहाँ लाइट नहीं हो करती तब दोस्तों मैं विनोद भाई के यहाँ जाया करता था 1 किलोमीटर साइकिल चला करके और वहीं पर वीडियोज को शूट किया करता था। आप लोगों ने काफ़ी बार वीडियोज देखा होगा, वहीं पर वीडियोज को शूट किया करता था और टाइम पर आपको वीडियो देखने की कोशिश किया करता था, फिर शाम को वहाँ से आया करता था। मतलब कि मैंने बहुत सारे स्ट्रगल किया है आपको वीडियोज को प्रोवाइड कराने के लिए कि आपको टाइम पर वीडियो मिल सके, आप लोग टाइम पर वीडियो को देख सको। तो मैं भी सोचा करता था काश मेरे पास एक इन्वर्टर हो जिससे कि मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियोज को प्रोवाइड करा पाऊँ, अगर कोई यूट्यूब का अपडेट आता है तो आपको जल्दी से मैं बता पाऊँ, और इसी चीज़ की वजह से मेरा वीडियो भी लेट हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा हो कि मेरा अपडेट का वीडियो कभी कभी 2-2 बजे के बाद आता है, क्योंकि भाई मैं अपडेट का वीडियो रात ही में देख लेता हूँ कि हाँ अपडेट आया है यूट्यूब का, बट दोस्तों आपको बता दूँ कि सुबह जगता हूँ मैं सोचता हूँ कि सुबह सुबह वीडियो बना दूंगा, बट सुबह भाई अभी भी लाइट नहीं रही है। ठीक है, गांव में मतलब कि सुबह कभी लाइट नहीं रहती, 5 बजे चली जाती है बस, फिर 10-12 बजे आती है, वो भी कभी फिक्स नहीं रहता। और मैं हमेशा वीडियोज को क्रिएट करता हूं दोपहर में, मतलब कि 12-1 बजे जब नहा लेता हूं और उस टाइम से वीडियोज को क्रिएट करना शुरू कर देता था, और आज भी मैं अभी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो अभी बज रहा है 1, और हमेशा मैं दोपहर को वीडियोज को क्रिएट करता था, और इस टाइम मुझे इतना प्रॉब्लम होती थी कि मतलब कि 1 बजे शुरुआत करता था और मुझे 4-4 बज जाया करते थे एक वीडियो को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि भाई लाइट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम किया करते थे कि लाइट 15 मिनट के लिए आती थी, 15 मिनट के लिए गोल, तो आधा वीडियो शूट करने के बाद फिर से बैठ जाता था कि अब लाइट आएगी लाइट आएगी लाइट आएगी, फिर से वीडियो शूट करूँगा, फिर से करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बट मतलब कि बहुत ज़्यादा। और इस बीच मुझे रोना भी बहुत ज़्यादा आया करता था कि मतलब कि मेरे पास भी एक इन्वर्टर होना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं कि अब मैं आपको बता नहीं सकता, बट दोस्तों आज आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से आज फाइनली मेरा जो ड्रीम था वो कंप्लीट हो चुका है, और लाइट वाला जो झंझट था ना वो भी सॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों आप लोगों को जल्दी जल्दी अपडेट की वीडियो मिलेंगी और जल्दी जल्दी मतलब कि टाइम पर आपको वीडियोज मिलने वाली है, जो हमारा टाइम है 6:30 बजे का, आपको उसी टाइम पर वीडियोज मिलने वाली है। और बहुत बार ये भी होता है क्योंकि आज के डेट में भाई आंधी तूफान वाला प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, अभी वो मौसम ही चल रहा है ऐसा, और इस टाइम पर भाई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई आंधी आती है मतलब कि पानी बरसता है तो भाई लाइट मतलब गोली रहती है। ठीक है, तो इस टाइम जो है आप लोग नोटिस कर रहे हो कि भाई 1 वीक से कहीं 2 दिन बाद वीडियो आ रही है, कहीं 3 दिन बाद वीडियो आ रही है, इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कि लाइट की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने सोचा कि अभी लाइट फिटिंग पूरी नहीं हुई, बट मैंने सोचा कि तुरंत जल्दी सबसे पहले इन्वर्टर ले लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को वीडियोज दे पाऊँ। और अभी आधी लाइट फिटिंग हो चुकी है और आधी लाइट फिटिंग बची है, तो वो जल्दी से कम्प्लीट हो जाएगी और जो है फिर इन्वर्टर को एक साइड रख दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे इन्वर्टर कितने का मिला, तो भाई ये इन्वर्टर मुझे मिला 13,000 का, देखो बैटरी मिली है, और मुझे 5700 का जो इन्वर्टर मिला है, जो कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं।
और ये जो भी पॉसिबल हो पा रहा है ना, ओनली आप लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, जो कि एक ड्रीम था, मैं कभी सोचा करता था कि काश मेरे पास हो, और आज आप लोगों के फैन सपोर्ट की वजह से वो फाइनली सपना सच हो चुका है। और दूसरा चीज़ मैंने क्या लिया हुआ है, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बोला था ना कि भाई दो चीज़ें मैंने ली हुई हैं, दो ड्रीम कंप्लीट हुए हैं। काफ़ी लोग तो भाई बोल रहे हैं लैपटॉप लिया है, तो भाई लैपटॉप का एक सीक्रेट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब सेटअप पर वाली वीडियो आएगी, हंसना मत, मतलब कि उसमें कुछ चीज़ें हैं बताऊंगा बाद में। तो देखो दूसरा जो ड्रीम कंप्लीट हुआ, मैंने एक कूलर भी लिया है साथ में, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब मेरे साथ साथ दो ड्रीम कंप्लीट हुए हैं ओनली आप लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आई होप आप लोग आगे भी ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, और जो भी मेरे ड्रीम्स होंगे वो मेरे कंप्लीट होते रहेंगे, और साथ में साथ आपको भी बताता रहूँगा, जो भी मैं चीज़ें लेता हूँ आप लोगों को ज़रूर बताता हूँ, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ YouTube से अर्निंग भी होती है, और YouTube के थ्रू ही ये सब कर रहे हैं, क्योंकि मेरे इतने घर से हम इतने अच्छे नहीं हैं कि भाई हम इन्वर्टर लगा सकता। ऐसी बात नहीं कि पिताजी पैसे नहीं कमाते, पैसे बहुत कमाते हैं, बट देखो मैं भी पढ़ता था, साथ में मेरी सिस्टर भी पढ़ती हैं, और साथ में मेरा छोटा भाई भी पढ़ता है, तो जितना भी पैसा आता तो भाई सब हमारी पढ़ाई में ही खर्चा हो जाता था, और जितना भी पैसा पिताजी ने कमाया है पूरा का पूरा पैसा हमारी पढ़ाई पर ही खर्चा किया है, क्योंकि मैं भी बाहर पढ़ता था और सिस्टर भी बाहर पढ़ती थी और छोटा भाई तो गाँव ही पढ़ता था, तो मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं कितने ज़्यादा खर्चा। तो इसी में मतलब कि जितना भी पैसा कमाते थे पिताजी, पूरा का पूरा पैसा इसी में खर्चा हो जाता था। बट आज जो है आप लोगों ने मुझे खड़ा कर दिया, तो मैं अपने भी ड्रीम्स कंप्लीट कर पा रहा हूँ, और साथ में साथ फैमिली की भी ड्रीम्स कंप्लीट कर पा रहा हूँ। तो मतलब कि जितना भी आप लोगों को धन्यवाद करूँ ना, तो उतना कम है, बस आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, और जो भी चीज़ें मेरे साथ होंगी मैं आप लोगों को सब कुछ बताता रहूँगा, और अगर इस चैनल पर ना बताऊँगा तो ब्लॉग चैनल पर जरूर बताऊँगा, तो इसीलिए ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।